गुड मॉर्निंग फ्रॉम डाउकी सिटी। टोटल डाउकी आज एक्सप्लोर करना है, लाइक क्लीनेस्ट विलेज, माउली लॉन्ग, देन रूट ब्रिज एंड ऑब्वियसली द डाउकी रिवर। सो लेट्स सी क्या क्या कंप्लीट कर पाते हैं, और कुछ ऑफबीट जगह होगा तो वो भी आप लोगों को लेके चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति, योर ट्रैवल पार्टनर, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल बक सौरभ। आज का डे ट्रिप मेरा शुरू हुआ था उमगट रिवर में बोटिंग के साथ। यहाँ पे कैसे पहुँचा, बोट टूर का प्राइस भी कितना था, इंडो बांग्लादेश ओपन बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा व्यू मिला था क्लीनेस्ट रिवर का, सब डिटेल्स पार्ट वन में मिल जाएगा, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देख लीजिए सो दैट यू कैन गेट ए कम्प्लीट टूर गाइड ऑफ डाउकी। बोट राइड खत्म करके हम लोग डायरेक्टली निकल गए माउली लॉन्ग के तरफ। डाउकी टू माउली लॉन्ग का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर जैसा, जिसमें 1 घंटा 20 मिनट जैसा टाइम दिखा रहा था गूगल में, लेकिन क्या पता था कि रास्ते में इतना ऑफबीट जगह मुझे मिल जाएगा जो ये रियाई डाउकी रोड का जर्नी और भी मेमोरेबल बना देगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ऐसे ही 4 ऑफबीट जगह। कुछ दूर जाते ही फर्स्ट मिल गया डाउकी वाटरफॉल। सेकेंड वन बॉर्ड हिल वाटरफॉल, बीच के ऊपर से ये वाटरफॉल जस्ट परफेक्ट एंड माइंड ब्लोइंग। थर्ड वन माउली लॉन्ग पहुंचने से 15 मिनट्स पहले मिलेगा ये वा नीरियांग वाटरफॉल। 10 मिनट्स जैसा ट्रेकिंग करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एकदम नेचुरल पूल में। कुछ भी कमर्शियलाइज नहीं है, इसीलिए नेचर के अंदर में ये वा नीरियांग वाटरफॉल डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। फोर्थ है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जो काफ़ी दूर तक रास्ते में आपको साथ देगा। कांटे का ये बाउंड्री मुझे कुछ पुराना समय का ही याद दिलाया, जो मैंने मूवी या तो फिर स्टोरी बुक्स में पढ़ा था। फाइनली पहुंच गए माउली लॉन्ग विलेज, गॉड्स ओन गार्डन। मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स में स्थित एक छोटा सा खासी विलेज, जो सबका नज़र में आया था 2003 में, व्हेन इट वॉज चूजन बाई डिस्कवर इंडिया मैगजीन एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। विलेज के अंदर में इन सर्चिंग ऑफ डर्ट। इस विलेज में ज्यादा कुछ करने का ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप कर सकते हैं वो है जस्ट टेक ए वॉक थ्रू द विलेज। साइट में मिलेगा फ्लावर्स, ऑर्किड, ग्रीन ट्रीज, बम्बू ट्री हाउस। तो चलिए जाते जाते बता देती हूँ इस विलेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिक एंड स्मोकिंग आर फुल्ली बैंड इन दिस विलेज। हर एक रास्ते में मिलेगा बाम्बू डस्टबिन, जहाँ पे आप सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही फेंक सकते हैं। दे प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे 90% लिटरेसी रेट है विद गुड सिविक सेंस। रास्ता इतना ही क्लीन था कि मुझे लगा कि एक तकिया मिल जाए तो यहाँ पे मैं बैठ गया सो भी सकती हूँ। इस विलेज में मैक्सिमम ऑफ द विलेजर्स आर क्रिश्चियन, सो एक पोस्टकार्ड परफेक्ट चार्ज भी दिखाई दिया, बट बैड लक इट वॉज क्लोज्ड। चलते चलते टायर्ड होके कुछ लोकल फूड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आज का लंच के लिए ये जगह मैंने चूज़ किया है, एकदम लोकल फूड, इट्स रन बाय द लोकल विलेज पीपल ओनली, सो दिस इज द ऑप्शंस आई हैव टू चूज। एकदम छोटा सा एक विलेज रेस्टोरेंट, किचन के साइड जाके एक पुराना गांव का ही वाइब्स आया। क्लीनलीनेस तो हर एक जगह पे दिखाई दे रहा था,
विलेज के अंदर में ही खासी स्टाइल चिकन और लोकल फूड टेस्ट करना चाहते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। मावली लॉन्ग विजिट का सोच रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गिव अस स्टॉप ओवर हियर। इट्स अ रियली अ क्लीनेस्ट विलेज। इसके साथ में और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है या फिर आप टूर प्लान जब कर रहे हैं, यू कैन गिव अ स्टॉप और द नाइट स्टे इन दिस क्लीनेस्ट विलेज। अगर मुझे भी थोड़ा सा आगे से पता चलता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक रात स्पेंड करता। यहाँ पे बहुत सारा स्टे इन का ऑप्शन है, होम स्टे है, लोकल विलेजर्स के साथ में लोकल फूड भी यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है। एक रात के लिए रहने का प्लान आप डेफिनेटली आपका आइटिनरी में रखिए। विलेज के अंदर में हैंडमेड शुबिनिया शॉप भी था। एंट्री गेट के सामने भी बहुत शॉप दिखाई दिया जहाँ से मेमोरीज के लिए छोटा छोटा बहुत सामान आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे जाना था स्काई व्यू पॉइंट। विलेज में एंट्री लेने के बाद राइट साइड में कुछ दूर जाने से मिलेगा ये बाम्बू वॉच टावर। विलेजर्स द्वारा बनाया गया बाम्बू वॉकिंग ट्रेल, पेड़ के अंदर से बनाया हुआ एक ट्रेल, हाइट काफी था। इसका एंट्री फीस है 30 रुपीज पर हेड, एट ए टाइम ओनली 10% अलाउड था। ऊपर से विलेज का व्यू मुझे बहुत खास नहीं लगा, लेकिन ये वॉकिंग ट्रेल मैं बहुत एंजॉय किया। व्यू पॉइंट के साथ ही खत्म हुआ मेरा मावली लॉन्ग विलेज टूर। आफ्टर टेकिंग अ रिलैक्सिंग वॉक थ्रू द क्लीनेस्ट विलेज, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस विलेज यू हैव टू स्टे ओवर हियर एंड देन ओनली यू विल गेट अ मोर चांस टू मिक्स विद द लोकल पीपल। नेक्स्ट टाइम आने से डेफिनेटली आई विल ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 1 night ओवर हियर। ऐसे ही बहुत सारा जगह अगर मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट यू विल गेट माई नोटिफिकेशन। मावली लॉन्ग से हम लोग डायरेक्ट निकल गए आज का लास्ट स्टॉपेज लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए, जो यहाँ से 8 किलोमीटर के दूरी पे है इन रिवाई विलेज। और ये है लिविंग रूट ब्रिज जाने के लिए पार्किंग एरिया। यहाँ से 15 टू 20 मिनट्स का एक छोटा सा ट्रेक आपको करना पड़ेगा लिविंग रूट ब्रिज तक पहुँचने के लिए। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा प्लेन रास्ता मिलेगा, फिर शुरू होगा सीढ़ियाँ। नियर अबाउट 100 के आसपास में सुना है स्टेयर्स है। स्टेयर्स काफी स्टीफ है, कम है, इट्स नियर अबाउट 50 स्टेयर्स बट स्टीप है। वेरी फर्स्ट व्यू ऑफ लिविंग रूट ब्रिज, सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज जहाँ पे नहीं जाने से प्रोबेबली आपका मेघालय टूर अधूरा रह जाएगा। रबर ट्री रूट से बना हुआ है ये ब्रिज। ब्रिज के ऊपर से ये बहता हुआ नदी का एक व्यू मुझे तो काफी रिलैक्सिंग लगा। ब्रिज के ऊपर खड़ा होके मुझे लगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाथी का एक फुल ग्रुप भी इसमें चढ़ जाए तो कुछ भी नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस एक वेल सीक्रेट है खासी विलेजर्स का। ये रबर ट्री रूट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए सुपारी गाछ का सहायता लिया गया था टू क्रिएट दिस रूट गाइडेंस सिस्टम। पानी कम होने के टाइम पे ये रिवर में आप नहा भी सकते हैं, लेकिन अभी ये टोटली रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा मिला हम लोगों को।
Tribals from Rewai village claims that this bridge is over 300 year old and still only getting stronger. इतना नेचुरल ब्रिज, चारों तरफ ग्रीन, साथ में रिवर का साउंड, सब मिला के सिर्फ बैठे रहने के लिए ही मन चाहा। लेकिन टाइम लिमिटेड था, सो वापस तो आना ही था। और इसके साथ ही खत्म हुआ मेरा आज का दिन और ये वीडियो भी। वन डे ट्रिप टू माउलीलोंग, डाउकी एंड रूट ब्रिज के बारे में कुछ भी पूछना है तो आई एम राइट हियर इन द कॉमेंट बॉक्स। और शेयर कीजिए उससे जिसके साथ आप ये रूट ब्रिज के नीचे बैठना चाहेंगे। सो मिलते हैं नया कोई जगह के साथ। टिल देन।